दोस्तों, क्या आप मानोगे, मिडल ईस्ट में मौजूद इस्लामिक श्राइन काबा एक समय पर एक स्थल हुआ करता था, जहां पर 360 से ज्यादा मूर्तियां रखी गई थी पूजने के लिए। लेकिन फिर सिर्फ एक कारण की वजह से आज पूरा का पूरा मिडल ईस्ट मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन बन चुका है। साल 370 CE प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, उनके 40 साल पहले अरबिया कुछ ऐसा दिखता था। एक तरफ थे क्रिश्चियंस और दूसरी तरफ थे पारसीज, लेकिन मेनलैंड अरेबिया पर राज था कई टुकड़ों में बटे हुए काबिलों का। वैसे तो इन काबिलों का कोई धर्म नहीं था और इनके रीति रिवाज बहुत ही अजीब थे, और इन्हीं काबिलों में से एक काबिला था बेडुइन काबिला। बेडुइन की एक अजीब आदत थी कि पिता के मरने के बाद उनकी जितनी भी बीवियां होती थी उनकी सारी जायदाद उनके बेटे को विरासत में मिलती थी। इसके अलावा और एक अजीब आदत थी कि ये अपने न्यू बॉर्न बेबीज को जिंदा दफन करते थे। इंटरेस्टिंगली, मक्का जो इस्लाम की सबसे होलीस्ट प्लेस है, वहां पर ज्यूज ट्राइब रहा करते थे। अब क्योंकि पूरे मक्का में नोमैडिक ट्राइब्स हुआ करते थे, तो वहां पर बहुत ही कम शहर थे, जिनमें से सबसे दो बड़े वेल सेटल्ड शहर थे मक्का और मदीना। अब अगर हम मदीना पे आए तो ये उस वक्त का इंसेंस रूट कहलाया जाता था, क्योंकि ये रेड सी से वेरी वेल कनेक्टेड था। इस वजह से ये काफी रिच था और यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा था। लेकिन मक्का की इम्पोर्टेंस उस वक्त मदीना से काफी ज्यादा थी, क्योंकि वहां पर काबा जो मौजूद था। अब 4th century AD के बाद मक्का कुरैश नाम की ट्राइब के कंट्रोल में आता है, जो अगेन एक मूर्ति पूजा करने वाली ही ट्राइब थी। अब उस समय अक्सर ऐसा होता था कि जब एक काबिलों का कैरवान दूसरे काबिलों के एरिया से गुजरता था तो उन्हें लूट लिया जाता था। लेकिन मक्का में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे ही कुरैश ट्राइब का कंट्रोल आता है, मक्का अचानक से फ्लोरिश करने लगा और एक नो वार जोन बन गया। कुरैश बेजेंटीन एम्पायर और बेडुइन्स के साथ एक पीस एग्रीमेंट साइन करते हैं कैरावंस की सिक्योरिटी के लिए। अब इस वक्त एक नो वार मंथ की भी शुरुआत होती है, जिसमें साल का कोई भी एक स्पेसिफिक मंथ चूज करते हैं, और इस रिचुअल में ये साथ में बैठकर काबा में जमा होते थे, जहां पर ये जमजम वेल का पानी पीते थे, जो इनके बीच यूनिटी और सैक्रेडनेस का सिंबल माना जाता था। और इस रिचुअल में शामिल होने वाले कैरावान की सिक्योरिटी के लिए किसी एक काबिल को कॉन्ट्रैक्ट मिलता था। अब एक बार अरेबिया में एक ट्राइब लक्ष्मी ट्राइब के सरदार मक्का जाने वाले कैरावान की सिक्योरिटी एक लोकल ट्राइब को देते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एक और ट्राइब थी जो इसकी जिम्मेदारी डेस्परेटली चाहती थी, प्रॉफिट मोहम्मद की मक्का में रहने वाली हाशिम ट्राइब। अब इस बहस में इनके बीच जंग छिड़ती है, जिसमें खुद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खुद शामिल होते हैं, वो भी 15 साल की उम्र में। अब वो इस जंग में इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि उनके चचा अबू तालिब हाशिम कबीले के सरदार, और उन्होंने ही प्रॉफिट मोहम्मद को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब इसके बाद 595 AD में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम खदीजा से शादी करते हैं, क्योंकि वो उनकी ईमानदारी से काफी इम्प्रेस होती है। इससे मक्कन सोसाइटीज में इनका स्टेटस काफी ऊंचा होता है। अब इस शादी के 20 साल बाद एग्जैक्टली 610 AD में प्रॉफिट मोहम्मद पर फर्स्ट रेवलेशन हुई थी थ्रू एंजल जिब्रील, जिसमें उन्हें कहा जाता है कि वो ऊपर वाले के मैसेंजर हैं और उन्हें इस्लाम दीन को फैलाना है। उनकी वाइफ पहली इंसान बन जाती है जो उन्हें एज ए मैसेंजर और एज ए प्रॉफिट एक्सेप्ट करती है, और फिर देखते ही देखते इनके क्लोज रिलेटिव्स इस्लाम कबूल करने लगते हैं। अब ये सब देख के कुरैश ट्राइब बहुत परेशान होती है, क्योंकि वो मक्का की रिलीजियस पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए वो प्रॉफिट मोहम्मद को मर्चेंट ग्रुप में प्रोमिनेंट पोजीशन और मैरिज करवाने का ऑफर करती है। लेकिन प्रॉफिट इसे साफ मना करते हैं, बल्कि वो इस्लाम को और ज्यादा फैलाने लगते हैं, जिससे कुरैश में इतना ज्यादा गुस्सा बढ़ता है कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के फॉलोअर्स की हत्या करते हैं। एक्चुअली में उनका टारगेट होते हैं प्रॉफिट मोहम्मद, लेकिन उस वक्त वो अपने चाचा अबू तालिब की प्रोटेक्शन में होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली 619 AD में उनके चाचा और उनकी वाइफ इस दुनिया से चले जाते हैं, अब उनकी प्रोटेक्शन भी हट जाती है, तो उसके बाद उन्हें बहुत ज्यादा सताया जाता है। तो मक्का छोड़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो फिर वो मदीना की तरफ जाते हैं। मदीना की तरफ से इन्विटेशन आती है प्रॉफिट मोहम्मद को कि वो ज्यूज और अरबियंस के बीच सालों से चलते हुए झगड़े को सॉल्व करें। एक्चुअली उन्हें वहां पर बुलाने का और एक कारण था, मदीनियन ट्राइब्स मदीना को दूसरा रिलीजियस सेंटर बनाना चाहते थे, और ये तभी मुमकिन था जब मोहम्मद जैसे प्रॉफिट वहां आते। तो उसके बाद मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स मदीना चले आते हैं और सालों साल से चलते आ रहे झगड़े को भी सॉल्व करने में कामयाब होते हैं।
अब इसके बाद इन दोनों के बीच ज्यूज और अरेबियंस के बीच एक पीस ट्रीटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना को साइन करवाया जाता है, जिसके तहत ये आपस में एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। बदले में मदीनियन ट्राइबल्स ने ये प्रॉमिस किया कि वो मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स को एक्सटर्नल अटैक से बचाएंगे। वैसे तो इस ट्रीटी से सारे मदीनियन खुश हो गए, लेकिन कुछ काबिलों के सरदार अभी भी इस ट्रीटी के सख्त खिलाफ थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद इस वक्त तक बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुके थे, वो उनके ही सरदारों को हटाकर उनके लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इस तरह मुस्लिम मदीने में सेटल हो गए। अब कुरैश और इनके बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती थी, बट फाइनली इन 624 AD एक बहुत बड़ी जंग द बैटल ऑफ बदर होती है, जिसमें मुस्लिम्स की तादाद 315 और सरप्राइजिंगली कुरैश 1000 में थे। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद और उनके फॉलोअर्स बहादुरी से ये जंग जीतते हैं और इन 630 AD में प्रॉफिट मक्का में वापस आकर उन सारे मूर्तियों को तोड़ते हैं, स्पेशली हुबल, और इस तरह मुस्लिम्स की हुकूमत पूरे मक्का में होती है। लेकिन फिर इन 8 जून 632 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ये सब सुनकर मक्का में उथल पुथल मचती है। इस्लाम की ये हालत देखकर प्रॉफिट के करीबी दोस्त और अल्लाह इस्लाम की जिम्मेदारी उठाते हैं और धीरे धीरे इस कम्युनिटी की हालत सुधरने लगती है। इस तरह अबू बकर इस्लाम के पहले कैलिफेट बनते हैं और शुरुआत होती है राशिदून कैलिफेट की। फिर अबू बकर और उनके फॉलोअर्स फॉर एग्जाम्पल उमर अली इस्लाम को पूरे अरबिया में फैलाते हैं। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।